कहा है आप? आपने फिर से गीला तौलिया बिस्तर पे रख दिया था ना, और वो ये तो मैंने बनाया था। तुझे पता है कोदा कल ना लाची मुझे चिल्ला रहे थे क्योंकि मैंने खाने में नमक कम डाला था, लेकिन आज ना मैंने खाने में नमक बिल्कुल सही डाला है कोदा। आज कोई गलती नहीं की है मैंने। मलमला जी को बोला जाके खाना चखे, वो खाने में कोई कमी नहीं है। मलाजी आज खाने में नमक सही है, अब मामा की टेस्ट करिए ना। मलाजी मेरी मेहनत वेस्ट मत करिए, मलाजी प्लीज खाना। मलाजी प्लीज आके खाना चखे ना। मलाजी मेरी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकते आप, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकते आप। आना पड़ेगा मेरे रात को खाना खाने के लिए। मलाजी कैसे बाप है आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके बच्चे की हालत क्या है? मलाजी वो आपके बिना बोल भी नहीं पा रहा है। मलाजी कम से कम बिल्लू के लिए वापस आ जाइए। मलाजी वापस आ जाइए। बिल्लू कहाँ है? ताई, ताई, मैं बिल्लू चाहिए। मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए। तुम जाके बिल्लू को लेकर आओ। कल्याणी संभालो अपने आप को, जो हो गया उसे कोई बदल तो सकता नहीं। शायद भगवान की मर्जी थी, जैसे मुझे मल्हार की कोई चीज मिली है, मुझे लगता है कि उस पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है, तो तुम्हें देने चली आई। चला दो गोली, पहुंचा दो तुम्हें तुम्हारे लाल जी के पास। वैसे भी इतने सारे एहसान जो है तुम्हारे और तुम्हारी आई के मुझ पे, तुम्हारी आई ने मुझसे मल्हार छीन लिया, तुम्हारे बच्चे ने अहीर, और तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, तो सारे एहसान चुका देती ना एक बार में, पहुंचा देती हूँ तुम्हें तुम्हारे मल्हार जी के पास। हाँ क्या बात है, क्या हुआ? सारा प्यार खत्म हो गया तेरा? मरना नहीं है तुम्हें, अब मल्हार जी के पास नहीं जाना अपने। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे की टेंशन है, उसकी टेंशन तो मत लो, क्योंकि बच्चा तुमसे बहुत जल्द हमेशा के लिए अलग होने वाला है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या किया है तुम लोगों ने मेरे बच्चे के साथ? मोक्ष तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा बच्चा, कहीं नहीं जाना, बस हाथ मत लगाना इसे। राणे परिवार का खून है ना ये, और अब इसका देशमुख से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है आपका? हाँ पिल्लू मेरा बेटा है, माँ हूं मैं उसकी, और पिल्लू मेरे साथ ही रहेगा। का क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? काका पहले हम सब पे बहुत पीट रहे हैं, अब प्लीज काका हिम्मत करें। मैं पिल्लू के बगैर नहीं रह पाऊंगी, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे काका।
मल्हार जी के जाने के बाद हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है काका। काका प्लीज तीन ऐसा मत करिए काका, मुझे बिल्लू के पास आने दीजिए प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? मैंने कहा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? तुम उस औरत की बेटी हो जिसने मेरे मल्हार की जान ले ली। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अगर मुझे कहोगी कि तुमने मल्हार जी का खून किया है, मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी। चाहे तुम मुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी आई कभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, कभी नहीं। क्यों आई? क्यों तुमने ये इल्जाम अपने सिर ले लिया? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कौन है जो तुम्हें ये झूठ बोलने पे मजबूर कर रहा है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? और फिर तुम ही चाहे मुझे कितनी बार क्यों ना कह दो कि तुमने ये जुर्म किया है, मैं नहीं मानने वाली, समझ गई ना तुम? और अब तो मैं पता लगा कर रहूंगी ये कौन इंसान है जिसने तुम्हें ये झूठ बोलने पर मजबूर किया है। आखिर ये कौन इंसान है जिसने मुझसे मेरे मल्हार जी और मेरी आई दोनों को छीन लिया? भूख लगी होगी, बच्चा है वो। तुम जानती हो ना कि तुम्हें इस घर में रहने देकर मैं तुम पे कितना बड़ा एहसान कर रही हूँ कि तुम्हें मैं धक्का मार के कल्याणी की तरह इस घर से बाहर निकाल दूँ। काका ने मोक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है तो मुझे डिसाइड करने दो ना कि मोक्ष को कब खाना देना है या नहीं देना है या देना भी है नहीं। हाँ तुम कौन होते डिसाइड करने वाली? और फिलहाल आहिर का खून करने के लिए ना उसे खाना देना मुझे सही नहीं लगता, समझ में आया? इसीलिए चलो यहाँ से चलो। अवनी, एक छोटा सा बच्चा कितनी देर भूखा रह सकता है? तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? सुनो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ना यहाँ नहीं खड़ी हूँ। अवनी, अवनी, दरवाजे खोलो। आओ साहब, आओ साहब, मैं गोदा बोल रही हूँ। आओ साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, कल्याणी ताई को आपकी जरूरत है। मोक्ष, कुछ चाहिए क्या? मोक्ष बेटा बोलना पड़ता है ना कुछ चाहिए होता है तो। क्या दर्द हो रहा है गले में? बोलने की कोशिश करना, बोल बोल।
ट्राई तो कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो खाली हो गई है। क्या कहना चाह रहे हो मोक्ष? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है मोक्ष, बेटा तू बोल नहीं पा रहा है। पर मैं क्या करूँ, अभी भी मैंने घर में एक नया रूल शुरू किया है, जिसको जो भी चाहिए ना मुँह से बोल कर मांग ले। तो जब तक तू बोलेगा नहीं, मैं तेरी बात कैसे समझूंगी, है ना? तू बोलना, बोलने की कोशिश कर। एक काम कर मोक्ष, तू रात भर बैठ के बोलने का ट्राई कर, मैं सुबह आके तुझसे पूछूंगी तुझे क्या चाहिए, ठीक है? हाँ साहब, ह्यूमन राइट्स वाले, अब आप इन्हें खुद बताइए ना कि कैसे इस अवनी ने मोक्ष को टॉर्चर किया और अवनी ने ही मुझे बांध कर रखा था। अरे देवा, क्या परमेश्वरा, ये क्या कह रही है? तुम्हें बांध के रखा था? कब? क्या कह रहे हैं पाव साहब? पाव साहब, आप ही ने तो मेरे हाथ पैर खोले थे। ये क्या कह रही हो तुम? हमारी पोती हमारी इस तरह बेइज्जती कर रही है हमारे घर में। I'm so sorry, आप लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है, ये हम लोग रोज ही देखते हैं। कल्याणी की प्रॉब्लम है, ये ऐसी झूठ बोलती है। उस दिन तो इसने कंप्लेन भी कर दी थी पुलिस स्टेशन जाके कि मैं मोक्ष को टॉर्चर करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, देख ही रहे हैं आप लोग। कल्याणी, सौतेली माँ हो तो क्या हुआ, मासूम बच्चा है ये, मल्हार की जायदाद के लिए ये सब कर रही हो? देखो, अरे हम इसे अपना पोता समझते हैं, हम इस पर कभी अन्याय नहीं होने देंगे। झूठ, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कल्याणी, ऐसे गुस्सा मत करो, याद है ना पिछली बार तुमने गुस्सा किया था तो मोक्ष को कितना मारा था, है ना साहिब, याद है ना आपको? पूर्णवीरा, तुम इस बात का फायदा मत उठाओ कल्याणी कि तुम हमारा खून हो। भले ही तुम हमारी पोती हो, लेकिन पैसों के लिए तुम इस बच्ची का फायदा उठाओ, इस बच्ची पर अत्याचार करो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। वो क्या है ना कि इसका पति गुजरने के बाद इसकी ये हालत हुई, हम इसे समझाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी घर की बेटी को आप पुलिस के हवाले कर दें। साहब, क्या कल्याणी मैडम, इतने बड़े पोस्ट पे रह चुकी हैं और ये सब? अरे कम से कम बच्चे की बद्दुआ तो ना लो। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, पर ये झूठ कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये झूठ कह रहे हैं। पिल्लू, पिल्लू तू बोल ना कुछ, बताना है ना, प्लीज पिल्लू ट्राई करना, पिल्लू प्लीज बोल। भूख लग रही है का बाड़ाला, चलो हम खाना खिलाते हैं। अच्छा खाना खिला। आवाज चली गई, मैं तो आपको सच बताता, सच में इस बच्चे को इन लोगों से खतरा है, मुझसे नहीं। मैम प्लीज मेरी बात, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी आप। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम है, ये है, वो है। Actually, you know what? गलती मेरी है, मैं ही बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको कितनी दफा रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों मैंने आप पे भरोसा कर लिया और सोचा कि आप मेरी मदद करेंगी। यू नो वॉट आउस, मैं राणे परिवार की बहू थी और हमेशा रहूंगी। मैं मल्हार जी की पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। मुझे इस घर में से कोई नहीं निकाल सकता। मैं भी देखती हूँ इस घर में रहने से मुझे कौन रोकता है। इस घर में रहने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम राणे परिवार की बहू हो तो चलो तुम्हें किसी और के घर की बहू बनाते हैं। अपनी नहीं छोड़ो मुझे। अरे तुम चिंता मत करो,
वो मनोहर बहुत अच्छा लड़का है। अरे देवा लड़का कहाँ है? वो तो हमारे उम्र का है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लोग क्या कहेंगे कि पति के मरते दूसरी शादी कर ली, ऊपर से खूनी की बेटी। क्यों आल साहब, लोग तो खुद कहेंगे इसे मोक्ष मत दो। मेरी आई खूनी नहीं है, नहीं है मेरी आई खूनी, समझे आप दोनों? जरूर आई की कोई मजबूरी होगी, कोई होगा जो उन्हें मजबूर कर रहा होगा बलराज जी के खून का इल्जाम अपने सिर लेने पे। और ये जो कोई भी है ना, इसके बारे में मैं पता लगा कर रहूंगी और मेरी आई को निर्दोष भी साबित करूंगी। तुम्हारी आई खूनी है और उसे बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती, याद रखना। ये सब छोड़ो और अपनी शादी की तैयारियां करो, समझी ना? शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आपकी और मेरी जगहों में एक ही खून बहता है। लेकिन आप दोनों चाहे जो भी करना चाहे ना, मैं आप दोनों को ये करने नहीं दूंगी। आप दोनों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, समझे आप दोनों? आप दोनों मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या लो तुम? हाँ मनोहर काका तो बड़े एक्साइटेड है ना इससे शादी करने के लिए। मैं भी देखना चाहती हूँ। मेरी शादी उस बुड्ढे से मैं करा कर रहूंगी, कर ले जो करना है। अरे ये औरत तो बेहोश हो गई। पानी ला, पानी ला। क्या माँ है तेरी? ते पानी दे, पानी दे। अरे ये क्या हो गया तेरी माँ को? कहाँ से आए हो तुम लोग? ये मेरी बहन है। क्या हो गया इसे? ये बेहोश। ये मेरा भांजा मोक्ष का बेटा। ये दोनों घर से बहुत देर से गायब थे, तब से ढूंढ रही हूँ, अब जाके मिले। हाय ठीक है ना बेटा? कल्याणी होश में आओ। हाँ कल्याणी, अब पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। भाव एक काम करिए ना, मेरी ना गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, सिल्वर कलर की, वहाँ पे ड्राइवर भी होगा, प्लीज बुला लाइए ना। कल्याणी बेटा सब ठीक हो जाएगा, जल्दी जाइएगा। सादा हाथ पैर मत हिला, समझ गया? आवाज तेरी पहले से भी नहीं है, तेरी आई की जान ले लूंगी मैं, क्या समझ में आ रहा है? चुपचाप बैठा रहे मोक्ष। कल्याणी होश में आओ। बहु पानी दीजिए ना ग्लास में। कल्याणी ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतापि वा या पुनरीकाक्षोषा वहमा वहंतरा सुचिया ओम समुच्चय के दंतस्य कपलोगज कारण का। हाथ जोड़ लीजिए। ओम समुच्चय के दंतस्य कपलोगज कारण का लंबोदरस्य विक्टो विनाशो विनायका धूम केतु गंड दक्षो भाल चंद्रो गजानन दोय दशानी नामानु पच्छत्री
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकुचये। ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। देखो मुझे बस कल्याणी अपनी जिंदगी से बाहर चाहिए और कुछ नहीं। ये खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, ये मोक्ष का है आका, वो अपने कमरे में। ये आप अपना दाहिना हाथ लगाइए। ओम कृते तात कन्यादान प्रतिष्ठा सिद्धार्थम ओम उरो भविष्वा तत्सुभतो वरेण्यम भर्गोर्देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। गणपति बप्पा मेरी आत्मा की रक्षा करना। अब आप दोनों खड़े हो जाइए और वर वधु को मंगल सूत्र पहनाएगा। हाँ। उठो कल्याणी, चलो उठो। उठो। खड़े हो जाइए। लीजिए, अब वर वधु को मंगल सूत्र पहनाएगा। ओम स्वर्ण का स्वाहा, स्वर्ण जाति स्वाहा, स्वर्ण भृगु स्वाहा, स्वर्ण सोम स्वाहा। इंस्पेक्टर साहब, आप दुल्हन से मिलना चाहते थे ना, तो मिल लीजिए, मैं हूं दुल्हन। क्या है ये सब? और जिस आदमी से मेरी शादी होने वाली है उनका नाम है सार्थक जी। सॉरी, मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। सच ये है कि हम छुपकर शादी कर रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को हमारी शादी के बारे में पता चले। आहिर को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि मैं इतनी जल्दी एक अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ शादी कर रही हूँ। सिर्फ इसीलिए बात छुपाई थी हमने। और ये बात भी सच है कि मेरी शादी कोई जबरदस्ती से नहीं हो रही है। और हाँ, हम दोनों ने ये कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि हम मोक्ष को आई बाबा का नाम दे सके। कि मोक्ष को उसके माँ बाप का प्यार दे पाए। हम चाहते हैं कि हम मोक्ष के साथ हैप्पी फैमिली बनाए। हम अपने बच्चे को लेके यहाँ से दूर चले जाए, वो हमारे साथ खुश रहे। और बस इसलिए कल्याणी हमसे जलती है। वो छोटी छोटी कंप्लेंस करती रहती है और वो जानती है कि अगर मोक्ष हमारे साथ दूर चला जाएगा तो उसके हाथ से तिजोरी की चाबी चली जाएगी। मैं और सार्थक जी तो बस अपनी एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं यहाँ से दूर जाकर, और वो भी उससे देखी नहीं जा रही है। पंडित जी, क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? क्या शादी इन दोनों की हो रही है? हाँ बोल दो, मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। बोलिए पंडित जी। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं इन्हीं दोनों की शादी कराने के लिए यहाँ आया। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हम अभी के अभी आपके सामने इसी मंडप में
फेरे लेंगे। अपनी अपनी मुझे तुमसे अकेले में जरा बात करनी है। मुझे अवनी से अकेले में बात करनी है। चलना अवनी, चलो। क्या बकवास है ये? पुलिस वालों के सामने क्या कहा? मैं और तुम शादी कर रहे हैं, क्यों? और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको जेल नहीं जाने दे सकती। कल्याणी का फुल प्रूफ प्लान है आपको जेल भेजने का। आप समझ क्यों नहीं रहे? और आप जानते हैं ना कि वो बुड्ढा अभी भी कमरे में, मैंने उसे बाथरूम में लॉक किया है। अगर पुलिस को पता चल गया कि ये सब यहाँ चल रहा है तो ये इस बहुत लंबा चलेगा। और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आपको बचाने के लिए हमें शादी करनी पड़ेगी। अब ज्यादा टाइम नहीं, यहाँ रुक के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बाहर चलिए, पुलिस को लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे ना, चलते हैं ना बाहर। कैसी गड़बड़? क्या? आपके बहुत उपकार है मुझ पे। आप किस साथ में ऐसा नहीं होने दे सकती। भले मुझे आपसे शादी क्यों ना करनी पड़े। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। 24 घंटे में इसकी फिरौती ना आई ना तो 20 लाख एक रुपए में बेच देना इसको हीरा भाई। काफी सुतली छोरी से घड़े पैसे मिल जाएंगे। कभी कभी करंट भी मारे है। देखो, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। मैं तुम सभी को अंदर करवा दूंगी, समझ रहे हो? मेरे खानदान की बहुत पहचान है औरंगाबाद में। मेरी आई वकील है, तुम सबको जेल करवा देगी। अरे तुम्हारी जगह ही बंद करवा देगी, सुन रहे हो? मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, प्लीज। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा मेरा घर पे, प्लीज छोड़ दो मुझे। हीरा भाई, छोरी का ध्यान रखा, नाम रोशन करेगी थारे कुट्टे का। और मैं चला चंदा के पास, याद आ रही है? आए। कौन कौन हो तुम लोग, मुझे क्यों लेकर आए हो? देखो, चुप, चुप, बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा। रात भर ना भगवान से प्रार्थना कर, 24 घंटे में तेरा वो बूढ़ा पति फिरौती की रकम लेके आए, वरना अच्छे दाम में बिकेगी तुम। मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ। अरे इज्जतदार घर की लड़कियों की शादी क्या बूढ़ों से होती है क्या? चुपचाप बैठ। कौन सी शादी, कैसी शादी की बात कर रहे हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं किया है। मल्हार जी मेरे पति थे और हमेशा रहेंगे। मैं विधवा हूँ उनकी। मैंने तो कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा मेरा, जाने दो मुझे प्लीज। ओहो, सुंदर लड़की को तो हीरा बाई ने अंदर छुपा कर रखा है। अरे अभी छोटी है ना, उसके बड़े होने का इंतजार कर रही है। तुझे तो पता है मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। क्या कहता है, गेम खेले क्या इसे? ए, चुप, ज्यादा बकवास नहीं करता। और अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो जान ले लूंगी तेरी, समझा? ऐसी वैसी बात समझ रहा मुझे? बहुत खतरनाक हूँ मैं। हाय यार, इसके साथ गेम खेलने में बड़ा मजा आएगा। ए, नहीं, नहीं, अंदर नहीं आना, कोई आ। चल अंदर चले। चलो चल। नहीं, मुझे बचाओ, मलाज जी। जल्दी कर। अरे 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 भाई, तो होता क्या हो गया भाई? काम मार रो भाई, चुप कर। संतरे वाली कपे चुसेन जाती है। असेरा की छोरी पे हाथ फेरोगे? नहीं भाई। फिरौती है हमारी वो भी 20 लाख की। कितने की? 20 लाख की भाई। और जब तक फिरौती नहीं मिल जाती हमारी जिम्मेवारी भी है। दोबारा यहाँ दिख गए तो तीतर बना दूंगा और बटेर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? तेरा भाई बटेर। चल निकल 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 भाग। हट हट।
आखिर हो कौन तुम? हाँ प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मेरे हाथ पैर खोल दो। देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज प्लीज, मेरा बच्चा है मेरे घर पे, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो, प्लीज।